माई टॉपिक इज लाइन्स एंड एंगल एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस क्लास 9 टॉपिक। क्वेश्चन फॉर इन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी फ्रॉम दिस फिगर। ये ऑलरेडी दिस फिगर ऑलरेडी गिवन है एंड देन शो डेट कि ए बी पैरेलल है सी डी के। ये ए बी जो है किसके पैरेलल है? सी डी के। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ लीनियर पेयर्स अप्लाई करेंगे, लीनियर पेयर इस पर अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है? एक एंगल 50 डिग्री का है और एक एंगल क्या है? एक्स है। और ये जो है इस पर, ये अगर इस लाइन की बात करें तो इस पर 180 डिग्री एंगल्स होगा। ठीक है, किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री, मतलब एक्स प्लस 50 डिग्री प्लस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है ना, तो जब हम क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 180 माइनस 50 करेंगे तो आपको क्या फाइंड होगा? एक्स इक्वल टू 130 डिग्री मिलेगा। मतलब एक्स की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? 130 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब ये आपको यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट, अगर आप यहाँ क्या दिख रहा है, जब अब यहाँ पे ये एक एक्स तो निकल गया 130 डिग्री, अब किसको निकल वाई। तो अब यहाँ अगर देखते हैं, इस पॉइंट पे देखते हैं, तो ये क्या है, ये क्या है, यहाँ यहाँ पे 130 डिग्री ऑलरेडी अवेलेबल है और ये क्या है वाई। अगर यहाँ अगर हम ध्यान से देखिए तो बोथ आर वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो डेट्स वाई वाई इक्वल टू ऑल्सो अ 130 डिग्री एंगल्स। ठीक है ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 130 डिग्री। अब ये देखिए वाई भी क्या हो गया? 130। ठीक है, वाई 130, एक्स ऑल्सो 130। ठीक है, तो आप ये दिख रहा है, ये दो एंगल क्या है, एक्स एंड वाई दो एक दूसरे के इक्वल हो गए। मतलब दिस आर कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल कहलाते हैं, दिस कॉल्ड अल्टरनेटिव एंगल। और मैं ये कह सकता हूँ कि थ्योरम 6.3 से कि जब दो लाइन एक दूसरे को जब दो लाइन को कोई एक ट्रेवर्सल लाइन काटती प्रॉपर एंगल पर या पेयर ऑफ एंगल्स पे काटती है और जब अल्टरनेटिव एंगल बनाती है और वो अल्टरनेटिव एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। क्या कह सकते हैं? ए बी पैरेलल किसके हैं? ये ए बी पैरेलल किसके हैं? सी डी के। ठीक है, तो यही आपका क्वेश्चन था और आपको यही प्रूव करना था कि एक्स एंड वाई क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड शो डेट ए बी पैरेलल एंड सी डी। थैंक यू वेरी मच।